हेलो फ्रेंड्स, मोहिनी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए तिल और अलसी के लड्डू लेकर के आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रहते हैं, सेहत के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं ये। तो आज हम बनाएंगे तिल और अलसी के लड्डू। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप तिल। इसे हम सिम गैस पे भून लेते हैं। ये देखिए, ये तिल भून गए, ये देखिए फूल गए हैं तिल। मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ, देखिए फूल गए सारे तिल। ये अच्छे से बन रहा है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। ये लिया हमने 1 कप अलसी, इसे भी भून लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत चमकीले चमकीले बीज होते हैं। अभी इन्हें हम भून लेते हैं। अलसी के बीज बहुत फायदेमंद होते हैं। ये शुगर के लिए और हार्ट के लिए और स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहते हैं, तो इन्हें हमें डेली सेवन में लेना चाहिए। ये देखिए, अलसी के बीज भी भून गए। इनकी आवाज देखिए, ये देखिए कितनी आवाज आ रही है, इसका मतलब ये भून गए। ये 3 कप मैंने मखाने ले लिए, इन्हें भी हम ऐसे रोस्ट कर लेंगे। सिम गैस पे रोस्ट करेंगे ना, इसमें कोई घी नहीं डालेंगे, खाली ऐसे रोस्ट कर लेंगे। देखिए मखाने भी हमारे सारे रोस्ट हो गए। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए बड़े अच्छे से रोस्ट हो गए। अब हमें इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में 1 कप ये सूखा नारियल मैंने कद्दूकस कर लिया, इसे भी रोस्ट कर लेते हैं। 1 बड़ी चम्मच इसमें घी डालेंगे हम कढ़ाई में। ये 50 ग्राम मैंने गोंद लिया, इसे भी हम इसी में भून लेते हैं। ये गोंद को हमने भून लिया, सारा फूल लिया है ये बहुत अच्छे से इसके। ये देखिए फूले से बन गए, इसे हम निकाल लेंगे। ये तिल है, हम इन्हें पीस लेते हैं, एक एक करके सारी चीजें पीस लेंगे। देखिए तिल पीस गए, एकदम से महीन पाउडर बना लिया हमने इसका। ये देखिए इस तरह से पीसने हैं, इन्हें निकाल लेते हैं हम। इसी तरह से अलसी को भी पीस लेते हैं। 1 टेबल स्पून देसी घी डाला कढ़ाई में। 300 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, इसे इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा सा पानी लिया है। ये देखिए चाशनी बनकर के तैयार हो गई है, ये सारा गुड़ घुल गया है इसका। ये हमें किसी तार वाली चाशनी नहीं बनानी, अब इसका गुड़ घुल गया। अब इसमें हम सारा सामान, ये हमने सारा सामान पीस के इकट्ठा कर लिया, अब इसमें धीमे धीमे डालते चलेंगे। ये अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब इसका हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। लड्डू हमने थोड़े से गर्म मसाले में ही बनाना है, जैसे गरम है ये सारा मसाला, तो हमें गरम गरम में लड्डू बनाने पड़ेंगे थोड़े से, बस इतना रहे कि हाथ नहीं जले। अब इसके अंदर 1 चम्मच पीसी सफेद मिर्ची डाल देते हैं, 1 चम्मच पीसी सौंठ मिक्स कर लेते हैं, जिसे सूखा अदरक भी बोलते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। ये मिक्सर जो है ठंडा नहीं होना चाहिए, सारा मिक्सर ऐसा ही होना चाहिए गरम गरम, तभी आप लड्डू बना सकेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे आपके लड्डू। अब इसके लड्डू बना लेते हैं, इस तरह के लड्डू बना बना के रख लेते हैं। देखिए तिल और अलसी के लड्डू बनकर के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही फायदेमंद हैं। सभी को पता है तिल और अलसी बहुत ही फायदेमंद रहते हैं, बहुत ही सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। तो आप सभी लोग अपने घर में बनाइए और अपने घर वालों को, अपने फ्रेंडों को, सबको बना करके खिलाइए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।